नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मकर राशि के लिए बहुत ही स्पेशल वीडियो में। बहुत ही स्पेशल वीडियो ये है इसलिए है क्योंकि आपकी कुंडली के जो योग कारक ग्रह है, योग कारक ग्रह वो होता है जो राजयोग देने की क्षमता रखता है अपने आप में। तो आपकी कुंडली के योग कारक ग्रह कौन है? शुक्र है। वो अपनी ही राशि में दशम भाव में बैठकर मालव्य नाम का योग बना रहे हैं। ऐसा 30 साल बाद हो रहा है जब शनि अपनी ही राशि में है और शुक्र मालव्य नाम का योग बना रहे हो मकर वालों के लिए। तो इस वजह से ये साल का आखिरी महीना बहुत ही विशेष है आपके लिए। और अगर आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति अच्छी है, दशाएं महादशाएं बढ़िया चल रही हैं, शुक्र आपके अच्छे हैं, तो ये महीना किस्मत बदलने वाला साबित हो सकता है। खैर, ये क्या परिवर्तन लाएगा, चाहे वो आपका करियर है, जॉब है, पढ़ाई लिखाई है, बिजनेस है, व्यापार है, स्वास्थ्य है, हेल्थ है, प्रेम है, परिवार है, सबके ऊपर बातें करेंगे, गहराई से देखेंगे किस बात को क्या हो सकता है, कब कहाँ किस दिन क्या हो सकता है, कौन सी तिथियां किस चीज के लिए अच्छी हैं, क्या उपाय हैं, सब कुछ देखेंगे। पर उससे पहले एक विचार। भगवान कृष्ण, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि मतलब आप बिना कर्म करे तो रह ही नहीं सकते। कर्म तो आप कर ही रहे हो। जिसको आप सोच रहे हो ना कि सबसे आलसी व्यक्ति है, अकमंड व्यक्ति है, वो भी कर्म कर रहा है, बस धर्म पूर्वक कर्म नहीं कर रहा है। सोता हुआ व्यक्ति भी कर्म कर रहा है, सांस ले रहा है, या फिर ऐसा कर्म कर रहा है जो उसको पाथ से अलग ले जा रहा है, दूर ले जा रहा है। अगर आप रास्ते की तरफ नहीं जा रहे, मंजिल की तरफ नहीं जा रहे, तो आप दूर ही जा रहे हैं। इसीलिए धर्म धर्म है, अर्थ है, काम है, मोक्ष है। मतलब धर्म पूर्वक कर्म करो जिससे कोई अर्थ आए, अर्थ आए, वैल्यू बढ़े, उससे आपकी कामनाएं पूरी होंगी और आप मोक्ष की तरफ भी जाओगे। अर्थात ये हुआ कि कई बार हम ये सोचते हैं कि भैया हम कर्म ना करें या फिर कर्म ना करना श्रेष्ठ है, तो गीता में भगवान कृष्ण ये कहते हैं कर्म तो आप कर ही रहे हो। जब आप कह रहे हो ना इस काम को मैं टाल रहा हूं, कल कर लूंगा, परसों कर लूंगा, तो आप नेगेटिव कर्म कर रहे हो। पर नेगेटिव क्यों करना है, पॉजिटिव ही करें ना। अब बढ़ जाते हैं रिजल्ट के ऊपर, क्योंकि ये कर्म की राशि है। दशम भाव जो होता है, 10 नंबर लिखा है पहले ही भाव में, जो मकर की जो राशि है ना, ये कर्म की राशि है। बहुत मेहनती हार्डवर्किंग लोग होते हैं, थोड़े से निराश अवश्य होते हैं ये, थोड़े से, क्योंकि एफर्ट बहुत करना पड़ता है, हार्डवर्क बहुत करना पड़ता है। खुद कुआ खोदो और फिर पानी पियो, ऐसी अक्सर स्थिति रहती है। मकर वाले मेहनत बहुत करते हैं और नीचे से ऊपर जाते हैं। कई बार लोग इनके टैलेंट को शुरू में नहीं पहचानते हैं, बाद में धीरे धीरे पहचानते हैं। ऐसा अगर मकर वालों के साथ अक्सर ऐसा होता है। पर इस महीने की जो विशेष बात है उससे शुरू करते हैं। मंगल और शुक्र का राजयोग बन रहा है, बड़ा योग बन रहा है इस महीने। तो जिसकी भी कुंडली में मंगल और शुक्र अच्छे होंगे, सबके तो नहीं होंगे, सब मकर वालों के, और किसी के होंगे भी तो किसी की एज ज्यादा हो सकती है, भाई 80 से भी ज्यादा है, या फिर अभी उम्र कम है, तो उसमें तो अगर उम्र कम है तो आपका एजुकेशन अच्छी रहेगी, और अगर आपकी उम्र ज्यादा हो चुकी है, एक लिमिट से ज्यादा हो सकती है, तो आपके स्वास्थ्य में कोई वृद्धि हो सकती है, कोई थोड़ा बहुत लाभ हो सकता है। पर अगर आपकी एज ऐसी है कि आपके काम पर है आप, क्योंकि क्या बोलते हैं ना, देश काल पात्र, आप कुछ कर रहे हैं, एक विशेष स्थिति में है, किसी चीज की तैयारी कर रहे हैं, तो ये महीना आपको बहुत कुछ दे सकता है, क्योंकि मंगल पारिजात योग और शुक्र जो है मालव्य योग बना के बैठे हैं। शनि की तो खैर 7:30 चल रही है, हालांकि ये भी कामधेनु योग है कि अगर द्वित्य का स्वामी द्वित्य में बैठे और उसको कोई शुभ ग्रह भी देख ले, तो इसको हम बोल देते हैं कि कामधेनु योग बन गया। एक पे शुभ ग्रह तो नहीं देख रहा, पर शनि भी इस 7:30 में भी सबके लिए बुरा नहीं हो रहा है। मकर वालों के लिए बुरा या प्रॉब्लम उन्हीं की लाइफ में चल रही है जिनकी राहु केतु चंद्रमा या शनि की दशा चल रही है और कुंडली में चंद्रमा पीड़ित है, कमजोर है, तभी ऐसा होगा। अदरवाइज ये 7:30 में भी लोग मेहनत कर रहे हैं, हार्डवर्क कर रहे हैं, नो डाउट चीजें डिले हो रही है, देर से हो रही है, प्रयास चल रहा है, पर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। बाकी के लोग जिनकी कुंडली में चंद्रमा दिक्कत में है, उनको तो थोड़ी दिक्कत चल रही है। पर आप शुक्र क्या लाएंगे, देखिए शुक्र दशम का स्वामी, दशम में आया है, तो दशम भाव क्या है, आपके पद का है, प्रतिष्ठा का है, प्रमोशन का है, संसार में नाम का है, यश का है। आप कोई काम करोगे तो उससे आपको यश मिलेगा। कई बार हम किसी के लिए हेल्प करते हैं, बहुत कुछ करते भी हैं, और वो अगला जो व्यक्ति है वो हमको यश देने की जगह, मतलब सम्मान तो देने से रहा, कभी कभी अपमान भी कर देता है, उसको एकदम भूल ही जाता है। और अक्सर मकर वालों में ऐसा होता है, कम उनको मिलता है उनके करने का रिजल्ट। पर ये एक महीना शुक्र ये कह रहे हैं कि पॉसिबिलिटी है कि आप जो करोगे उसका रिजल्ट आपको मिले। एफर्ट तो आपको करना पड़ेगा, या फिर आपने अगर एफर्ट किया है, अब तक किसी चीज की तैयारी कर रहे थे, आपने कहीं पे समय लगाया है, तो आपको समय, उस समय जो लगाया है उसका एक रिजल्ट, उसका एक रिवार्ड, उसका एक इनाम आपको मिल सकता है। काम में पद प्रतिष्ठा प्रमोशन हो सकता है आपका, ये भी यहाँ पे दिख रहा है कि आपका प्रमोशन आप कह सकते हैं। धन के मामले में भी अच्छा है, मतलब पैसे की इनकम भी बढ़ेगी इस महीने, खासकर शुक्र आपकी कुंडली में अच्छे हुए तो शुक्र का अच्छा होना जरूरी है।
एज ए रेमेडी ललिता सहस्त्रनाम और श्री सूक्तम का पाठ करें, फीमेल की रेस्पेक्ट करें, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें, चीजों में ऑर्डर, साफ सफाई, क्रिएटिविटी का ध्यान रखें। जितनी भी महिलाएं आपकी जिंदगी में हैं, आपकी माता, आपकी बहन, आपकी पड़ोसन भी हो सकती है, आपके साथ काम करनी कोई महिला हो सकती है, उनके साथ बड़ी रेस्पेक्ट से आपको काम करना है। उनके साथ उनकी कोई हेल्प हो सकती है तो जरूर करें, विवाद में बिल्कुल ना उलझें, और बाई चांस कोई विवाद होता भी है तो किसी तरह से डिप्लोमेसी से आप उसको सुधारने की कोशिश करें, ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। शुक्र का मालव्य योग, शुक्र का मालव्य योग ये भी कह रहा है कि भैया प्रेम के लिए भी अच्छा है, एजुकेशन के लिए अच्छा है। इस महीने आप प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच जो है आप कहोगे आकर्षण बढ़ेगा, प्यार के मामले में भी आपको लाभ होगा, आपकी शिक्षा आपके काम आएगी, आप जिस तरह से अपना प्रदर्शन करोगे उसके अनुसार आपको अंक भी मिलेंगे, चाहे वो पढ़ाई लिखाई हो या काम हो या बिजनेस हो या जॉब हो, जो आप एफर्ट लगाओगे उसको समाज में एक रोशनी आएगी उसके ऊपर। जैसे कोई चीज कितनी भी चमकदार क्यों ना हो, अंधेरे में तो दिखती नहीं है ना, अंधेरे में नहीं दिखती, उस पर रोशनी पड़ती है तभी दिखती है। ऐसे बहुत सारे टैलेंट हैं दुनिया में, कोई कहीं लिख रहा है, कुछ कर रहा है, पर किसी कारण से ऊपर आ ही नहीं पा रहे, उसी को हम कहते हैं भाई किस्मत साथ नहीं दे रही है। तो कहीं ना कहीं इस महीने शुक्रिया कह रहे हैं कि माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर हो सकती है, उसका रोल उसमें किसी फीमेल का, लेडीज का, क्रिएटिविटी क्रिएटिविटी मतलब अपने आप को एक्सप्रेस आप करोगे उससे आपको फेम वगैरह मिल जाए, ये उसका भी योग बन रहा है। स्टॉक मार्केट से आप जुड़े हुए, स्पेकुलेटिव गेन से आप जुड़े हुए हो, आपका मीडिया इंडस्ट्री से जुड़े हो आप, किसी तरह से हीलिंग का काम, हीलिंग का, क्योंकि शुक्र जो है दैत्य गुरु शुक्र जो है वो संजीवनी विद्या से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने मृत्यु के बाद भी राक्षसों को जिंदा कर दिया था, तो शुक्र जो है हीलिंग से भी जुड़े हैं। हीलिंग के फील्ड में आप हो, मेडिकल इंडस्ट्री में आप हो तो आपके लिए अच्छा, आयुर्वेदिक मेडिसिन में भी अगर आप हो तो आप बहुत बढ़िया करोगे, अल्टरनेटिव मेडिसिन, शुक्र, तंत्र, ज्योतिष, इन सबसे भी जुड़े हुए हैं, इस फील्ड में भी आप हैं, टैरो, तंत्र, इन सब में, तब भी आपको नाम मिल होगा, आपका फेम होगा, चीजें पॉजिटिवली जाएंगी आपके करियर के फील्ड में, पॉजिटिवली तो जाएंगी, पर किस तारीख को जा सकती, कौन सी तारीख विशेष हो सकती, किस तारीख को ये आपका पद प्रतिष्ठा प्रमोशन प्रेम के लिए अच्छा, एजुकेशन के लिए बढ़िया, ये कौन सी तारीख है, ये वही तारीख है जब शुक्र थोड़े ज्यादा प्रभावी हो जाएंगे। और वो तिथियां निकल कर आती हैं आपकी तीसरी तारीख, तीन चार तारीख आप कह सकते हो, ये आप ये कह सकते हो तीन की रात से लेकर चार का जो दिन है वो यहाँ पे निकल कर आता है आपका, और 14 तारीख जो है वो भी शुक्र का प्रभाव बढ़ रहा है आपका, और 22 तारीख है आपकी, और 22 तारीख आप कह सकते हो, इसके बाद एक तारीख कौन सी, 1 जनवरी अगले साल की, तो इन दिनों शुक्र का प्रभाव बढ़ रहा है जो आपके लिए कहीं ना कहीं पॉजिटिव और अच्छा होने वाला है। वैसे इस महीने में जो बच्चे जन्म लेंगे ना मालव्य योग में, उनके जीवन में सुख भोग काफी रहेगा, घर गाड़ी भूमि वाहन बंगले का सुख उनको बहुत मिलने वाला है, और आपकी कुंडली में भी घर जमीन या वाहन लेने के योग बने हुए हैं, तो ऐसे में अगर आप वाहन लेने की प्लानिंग कर रहे हो अगले महीने और न्यू ईयर पर, हो सकता है कुछ आपको सस्ते में भी कुछ कहीं से कोई चीज मिल सके, तो एक साथ व्हीकल के लिए मैं कह रहा हूँ 8, 10, 17, 18, 21, 24, 27, 29 बहुत अच्छी तारीख है प्रॉपर्टी से संबंधित, क्योंकि मंगल प्रॉपर्टी के कारक है, चौथे भाव के स्वामी है, एकादश भाव में जा रहे हैं, चौथे भाव में गुरु बैठे हैं, तो प्रॉपर्टी जमीन रियल एस्टेट के मामले में नो डाउट ये महीना अच्छा है। पर फिर भी तारीखें कौन सी शुभ है, 2, 3, 12, 13, 21, 26, 27, 31 ये तारीखें शुभ है, खास करके अगर आपके पार्टनर, आपकी वाइफ, आपके दोस्त फ्रेंड्स कहीं ना कहीं इसमें रोल अदा कर रहे हैं इस प्रॉपर्टी में, तो बहुत अच्छा है। अगर पिता या गुरु का कहीं रोल है तो थोड़ा सावधानी के साथ करना है, क्योंकि केतु जो है पिता के भाव में आ रहे, पिता की लाइफ में तो कुछ उतार चढ़ाव रह सकते हैं, स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, और यहाँ पर आपके कुछ गुरु चेंज हो सकते हैं, एक सीनियर हो सकता है, कुछ सीनियर से कुछ अनबन हो आपकी, कोई नए लोग आपकी लाइफ में आए, स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म रहे आपके जीवन में, तो ये केतु अच्छा फल देंगे। खासकर अगर केतु की दशा महादशा चल रही है तो गणेश जी की पूजा करें, ओम गम गणपते नमः का जाप करें, पक्षियों को ज्वार और बाजरा आप खिला सकते हैं, जो ध्वजा होती है ना तिकोने रंग की ध्वजा, उसको तिकोने आकार की ध्वजा और रंग उसका आपका रेड रेड हो, लाल हो या केसरिया भी हो सकता है, उसको आप मंदिर पे लगाएं, मंदिर पे लगवाएं, अगर ये भगवान गणेश का मंदिर है तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। केतु जो है मोक्ष को दिखाते हैं, अध्यात्म को दिखाते हैं, और केतु का सर नहीं है, और गणेश जी का भी आपने कथा सुनी होगी कि गणेश जी का सर जो है वो भगवान शिव ने फिर हाथी का सर लगाया था, ये सिंबॉलिकल है कि ईगो को खो दिया था, वो समझ गए थे जो ईश्वर है वो हर जगह है, हर कण में, हम ऐसे कहते तो हैं पर प्रैक्टिकली उसको देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते, और इसी बात को भगवान कृष्ण गीता में भी कहते हैं कि भैया मैं हाथी में भी मैं हूँ और घोड़े में भी मैं हूँ, राजा में भी मैं हूँ और अंक में भी मैं हूँ, तो एक लेवल पे आके तो सभी एक है, उस चीज को समझ पाना जो होता है वो केतु बहुत जल्दी समझ सकते हैं, केतु की इंट्यूशन इसीलिए बहुत अच्छी होती है। आपके पिता के सपने इस समय में सच हो सकते हैं, आपके गुरु के सपने इस समय अच्छे हो सच हो सकते हैं, उनकी बातों की इंट्यूशन अच्छी हो सकती है, ये भी दिखा रहा है यहाँ पे। अच्छा, ये जॉब के लिए, काम के लिए तो बहुत अच्छा है, बिजनेस के पर्पज से भी ये अच्छा है,
बिजनेस से भी लाभ होने वाला, व्यापार से भी आपको लाभ होने वाला, इस चीज को भी दिखा रहा है। प्रेम प्यार में भी बढ़िया है, शादी विवाह की लाइफ के लिए भी बहुत अच्छा है। ये जो तरीके मैंने शुक्र की बताई, ये सारी चीजें इस पे लागू होती हैं। अब अगर भाग्य में बताएं, भाग्य वैसे तो ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, पर हाँ ये जरूर है कि कुछ कई बार आपको ऐसा लगेगा कि भाई आप जो प्रयास कर रहे थे वो खाली चला गया, या उसका रिजल्ट निकल कर नहीं आया, या थोड़ा सा भाग्य ने आपका साथ नहीं दिया। ऐसा नहीं, कुछ चीजों कब कुछ तारीखें हैं उन दिनों, तो वो तारीखें कौन सी हैं, 2-3 तारीख आप कह सकते हो, वहां थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद 13 तारीख बहुत अच्छी नहीं है, 14 अच्छी है इस मामले में, भाग्य के मामले में। और 21 तारीख है आपकी, 21 तारीख और 31 तारीख जो है, ये ऐसी तारीख है, इस दिन ऐसा हो सकता है कि भैया कोई काम करने जाए, होना डिले हो जाए, ये हो जाए कि बाद में होगा, इस तरह का। इसके साथ साथ ये तारीख यात्राएं और ट्रैवल करा सकती है, इसका कोई खास रिजल्ट ना निकले, ये भी पॉसिबिलिटी यहाँ पे बनती है कि भाई आप रिजल्ट ना निकले एफर्ट का, हार्डवर्क का, ये यहाँ पे पॉसिबिलिटी बनती है। ट्रैवल के लिए और दूर की यात्रा के लिए कुछ खर्चा होने के लिए, कुछ ऐसा खर्चा जो आपने उम्मीद नहीं की है, वो भी पॉसिबिलिटी है, वो निकल के आ सकता है आपका। 12 तारीख को कोई एक्स्ट्रा खर्च आ सकता है, किसी चीज पे खर्च करना पड़ जाए जो आप सोच नहीं रहे थे, इस तरह की पॉसिबिलिटी बन सकती है। और 29 तारीख भी ऐसा कुछ दिखा रही है, ट्रैवल हो सकता है, कोई खर्चा वर्चा निकल के आ सकता है, इस चीज को दिखा रहा है। इस दिन हो सकता है आपका मन कम लगे, आपके मन में कहीं ना कहीं कार्य करने की ज्यादा इच्छा ना हो, ये सब चीजें रह सकती हैं। क्यों हो रहा है? बुध की वजह से हो रहा है, भाग्य का स्वामी 12वें भाव में है, तो ट्रैवल वगैरह तो करा सकता है, यात्रा वगैरह तो करा सकता है, पर अल्टीमेटली ये व्यय का भाव है, खर्चे का भाव है, चीजों के खो जाने का भाव है। इंट्यूशन के लिए अच्छा है, अगर आपका काम लॉजिक से नहीं जुड़ा हुआ, मन से जुड़ा हुआ है, जिसे बोलते हैं फैंटेसी, कुछ सोचना कल्पनाओं से जुड़ा हुआ, तो आप कल्पना तो अच्छी कर लोगे, उस चीज में ठीक है बुध का यहाँ पर आना। अब ये सूर्य और बुध जो बैठे हैं यहाँ पर, ये दोनों विपरीत राजयोग बना रहे हैं। बुध जो है हर्ष नाम का विपरीत राजयोग बना रहे हैं, और सूर्य यहाँ पर सरल नाम का विपरीत राजयोग बना रहे हैं। तो ये क्या होता है विपरीत राजयोग? विपरीत राजयोग जब भी लागू होता है, जब लग्न का स्वामी स्ट्रांग हो, मतलब शनि स्ट्रांग हो, तो यहाँ पे तो स्ट्रांग आ रहे हैं, पर आपकी जन्म कुंडली में भी शनि स्ट्रांग होने चाहिए, तभी वो रिजल्ट मिलेंगे जो मैं बोल रहा हूँ, अदरवाइज नहीं मिलेंगे। नहीं तो आप कहोगे आप बता तो रहे हो, कुछ नहीं रहा, अगर शनि ही स्ट्रांग नहीं है तो कैसे भी ग्रह चलते रहे रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि भाई शनि राजा की तरह है और आपकी जिंदगी साम्राज्य की तरह है। जिस साम्राज्य का राजा ही कमजोर है, वहां पर क्या हो सकता है, ये वाली बात है, वो कुंडली देखकर ही पता लगेगा। पर ओवरऑल लोगों के लिए ये विपरीत राजयोग क्या कर सकता है कि कुछ ऐसा हो जाना जो आपने नहीं सोचा। मतलब जैसे आप ऑफिस में आए, आप तो ये सोचे डेली का काम करना, आपको कहा आप ना आज ना आज आप ये पोजीशन लोगे, थोड़ी आगे बढ़ के सबको बताओगे, इसको समझाओगे, आप समझ में आप आज क्या हुआ भाई, मेरे को चांस दिया जा रहा है। पता लगा जिसको चांस देना था वो आया नहीं, उसकी तबीयत खराब होगी, और वो जो टॉपिक है वो आप ही को आता है, सिचुएशन कैसी ऐसी बन गई, ना चाहते हुए भी आपको आगे करना पड़ रहा है। तो ऐसी कुछ ऐसी चीज हो जाना, टफ सिचुएशन से बाहर निकलना। आप सोचते थे भैया ये काम तो गया, ये तो होना नहीं है, पर रात को ही फोन आ जाता है किसी का, ऐसा है कि ये काम हो सकता है, आप कल मिलो मैं आपको बताता हूं, कुछ इस तरह की सिचुएशन हो सकती है। कब हो सकती है? वही जिस दिन मैंने खर्चा बताया उसी दिन इस तरह की चीज भी आ सकती है। और इसके साथ साथ जो दूसरी तारीखें हैं वो 5 तारीख इस तरह की आ रही है, और 5-6 तारीख, इसके बाद 15 तारीख और आपका 23 तारीख, ये तारीखें हैं जिस दिन कुछ इस तरह का हो सकता है जो आपने उम्मीद नहीं किया, कुछ सडन चीजें हो सकती हैं। नॉर्मली पॉजिटिव होनी चाहिए अगर आपका शनि मजबूत है तो। इसके बाद आ जाते हैं घर गाड़ी भूमि बांध बांगने के लिए, मैंने बताया बहुत बढ़िया तारीखें भी आपको बता दी। मैरिज लाइफ के लिए भी ठीक है, भाग्य बहुत ज्यादा साथ तो नहीं देगा, पर शुक्र की स्थिति अच्छी हुई तो आपका लाभ जरूर होगा, नाम जरूर होगा आपका। शुक्र की स्थिति मजबूत होना जरूरी है तभी ऐसा होगा, और शुक्र की दशा महादशा अंतरदशा जरूरी है। अगर केतु की हुई तो फिर उतना बढ़िया नहीं है केतु, पर राहु पे अगर हम आ जाएं तो तृतीय भाव का राहु आपको किस्मत का साथ मिले ना मिले प्रेरित करता रहेगा, मेहनत आप करते रहोगे। आप कहोगे भाई इससे क्या फायदा? इससे बहुत फायदा है। देखिए जब टफ समय होता है मेहनत करते हैं, रिजल्ट नहीं मिल रहा तो हम और प्रयास करते हैं, और इस कोशिश में इस रास्ते में ही हम बहुत कुछ सीख जाते हैं। तो इस समय बुरा हुआ है, अच्छा हुआ, शायद अच्छा हुआ, और जब किस्मत साथ दे रही हो तो हम उतना ही प्रयास करते हैं। हमें यह भी आदत पड़ जाती है भाई हमारा काम तो हो ही जाएगा, और ऐसे धीरे 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 हम पतन की तरफ जाते हैं। तो ये काम, ये समय अच्छा हुआ बुरा हुआ? बुरा ही हुआ। इसीलिए जो विद्वान जन है वो परिश्रम से नहीं डरते हैं, चुनौतियों से नहीं डरते हैं, बल्कि कम्फर्ट से डरते हैं, कम्फर्ट से डरते हैं। जब चीजें सब एकदम आसानी से चल रही हो तो चुनौती लेना, कुछ नया सीखने की शुरुआत कर देते हैं, क्योंकि अगर सब कुछ आसानी से चल रहा है और इसी तरह आप चलते रहे तो वो थोड़े दिन में आपको कमजोर कर देगा, आलसी बना देगा, निकम्मा बना देगा, और ऐसा वो होने नहीं देते। कुछ लोग उल्टे ही हैं तो फिर उन्हें भगवान बचाए, वो कहते हैं कि भैया हम तो ऐसे ही हैं, ठीक है ऐसे ही है। अगर आपको ब्रह्म ज्ञान हो गया, आपको पता रहेगा कि आपका कोई कर्म बाकी नहीं है, आप फ्री आत्मा हो, आप इसको फील कर चुके हो, तो बात अलग है।
और अगर आपको पता है आपकी इतनी सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है और फिर भी पड़े हुए हो और फिर कह रहे हो कि भैया हमको कुछ नहीं करना, करके क्या करेंगे, सब माया, जबकि आपको पता कुछ नहीं है, तो फिर आप गलत रास्ते पर हो। इसीलिए संत जब कहते हैं वो किसी और पोजिशन से कहते हैं, है ना, और जब कोई आम व्यक्ति कहता है उसकी एक अलग लेवल से वो बोलता है। तो यहाँ पर फर्क करना जरूरी है, खास करके नव युवक है, नव युवतियां हैं, कि भाई कर्म ही संसार, कर्म प्रधान है। एक बार एक कर्म करके ही आप उस स्टेज पर भी पहुंच सकते हो जहां पर आपको पता लगे कि भैया सब माया है, बैठ के नहीं, सुन के नहीं, आपका अपना एक्सपीरियंस होना चाहिए। खैर सारे साथी तो चली रही है, हम इसकी बात हर बार ही कर लेते हैं कि भाई शनि दूते भाव में तो वाणी का थोड़ा ख्याल रखें, परिवार में थोड़ा बना के रखें, प्रेम के हिसाब से थोड़ा सा, खासकर माता पिता फैमिली में कुछ दिक्कतें रह सकती हैं। साथ में ही हम ये भी कहते हैं कि भाई अगर साढ़े साथी में भी सभी हमेशा बुरी नहीं होती है, जन्म कुंडली पर डिसाइड करेगा आपका। अगर शनि अच्छे हैं, चंद्रमा पर शनि की दृष्टि नहीं है, चंद्रमा स्ट्रांग है, तो फिर साढ़े साथी आपको एग्जाम जरूर लेगी पर ऊपर ले जाएगी धीरे धीरे, और आप भी अच्छा कर पाओगे उस एग्जाम में। अब स्वास्थ्य की अगर बात करें तो स्वास्थ्य के लिए दिक्कत रही है, चल रही है, ध्यान रखें, साढ़े साथी है राशि का स्वामी द्वितीय भाव में जो एक मारक भाव होता है, तो स्वास्थ्य के लिए तो हम अच्छा नहीं कह सकते, धन के लिए अच्छा हो सकता है, वो भी प्रयासों के, सतत प्रयास करते रहोगे तब। इसके बाद खर्चा, खर्चा काफी रहने वाला है, सूर्य बुध बने हुए हैं। थोड़े योग देख लेते हैं, राजयोग कोई बन रहा है इस महीने? हाँ जी, एक राजयोग बन रहा है जिसको हमारे दैत्य गुरु शुक्र बना रहे हैं, मालव्य नाम का राजयोग है, जो इसकी मैंने बात की, बहुत बढ़िया राजयोग है। इसके अलावा मंगल पारिजात योग बनाकर बैठे जिसमें सारी इच्छाएं पूरी हो जाती है, पर ये जन्म कुंडली में हो तब ना, इस समय जो बच्चे पैदा होंगे उनके लिए बहुत बढ़िया, और संतान जो होगी उसके कई सारे ऐसे योग हैं कि वो बहुत ऊपर जा सकते हैं। अब संतान होगी तो उसका नाम भी रखना पड़ेगा, नाम रखने के लिए जो शुभ तिथियां हैं वो 1, 7, 8, 10, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 28, 29 तारीख है, बहुत शुभ है। जैसे मैंने बताया प्रॉपर्टी के लिए महीना बहुत बढ़िया है, तो प्रॉपर्टी अगर आप लोगे तो गृह प्रवेश भी करोगे, तो उसके लिए 8, 15, 21 जो तारीखें अच्छी हैं, और शादी विवाह के मामले में अगर सही है तो विवाह के लिए जो मुहूर्त है वो 6, 7, 9, 15 को बहुत अच्छे हैं। ये हमने थोड़ा सा जान लिया। अब बढ़ जाते हैं शनि के, बात हो ही गई शनि का, सबसे ज्यादा ख्याल क्या रखना है हमको, एक ससुराल जो होती है ना, वहाँ इन-लॉज जो होते हैं उनकी लाइफ में थोड़ा सा ध्यान रखना है, और माता पिता के साथ भी रिश्तों को बना के रखना है, क्योंकि यहाँ पर शनि की सीधी दृष्टि आ रही है, दसवीं दृष्टि एकादश भाव पर आ रही है, पर मंगल वहां स्वयं बैठे हैं, मतलब उनका जब ग्रह का स्वामी घर में ही बैठा हो तो एक अच्छी स्थिति हो जाती है, और उसको लगने से देखे तो लाभ ही होता है, मतलब जमीन से और फ्लैट आदि से आपको लाभ हो सकता है, जमीन बेचना चाहते हैं खरीदना चाहते हैं तो इस महीने पूरी पॉसिबिलिटी है। और तारीखें जो है जिस दिन आप घर खरीद वगैरह सकते हो या खरीदने बेचने के लिए अच्छा है, उनमें से देखिए 1 तारीख बहुत अच्छी है, इसके बाद 8 तारीख बहुत बढ़िया है आपकी, 1 है, 8 है, 11 तारीख है, इस दिन कुछ इससे संबंधित चीजें हो सकती हैं। इसके अलावा आपका 19 तारीख है, 19 तारीख बहुत बढ़िया है, और 25 तारीख, 27 तारीख, ये तारीखें जो है जो प्रॉपर्टी, घर वगैरह, इससे संबंधित, वाहन से संबंधित चीजों के लिए भी अच्छी है। इसके बाद हम बढ़ जाते हैं स्टॉक मार्केट, स्टॉक मार्केट के लिए बढ़िया है महीना, स्टॉक मार्केट में आप कर सकते हैं अगर आपकी कुंडली में शुक्र अच्छे हैं, पंचमेश अच्छा है, सिर्फ गोचर के ऊपर मत करिएगा, पर हाँ गोचर के आधार पर अगर आपका है तो आपको पहले से लाभ होता रहा होगा तो और लाभ हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी यहाँ पे बनती है। इसके बाद कौन कौन से योग बन रहे हैं, राजयोग बन रहा है, विपरीत राजयोग कौन बना रहे हैं, सूर्य और बुध बना रहे हैं, नीच भंग राजयोग नहीं हो रहा है, कोई ग्रह नीच का नहीं है, लक्ष्मी योग शनि और मंगल का लक्ष्मी योग है, जैसे मैंने बात की कि शनि जो है आपके कामधेनु योग में है, मंगल पारिजात योग में है, शुक्र मंगल, शुक्र जो है वो मालव्य योग में है, तो शनि और जो मंगल है वो लक्ष्मी योग बना रहे हैं, धन लाभ करा सकते हैं। तो धन लाभ के लिए जो तिथियां आपका होगी, तो देखिए 8 तारीख को कोई धन लाभ हो सकता है, कहीं से पैसे की प्राप्ति हो सकती है, इसके साथ साथ 7 तारीख जो काफी उम्मीदें हैं इसमें, इस तारीख पे कुछ लाभ आपका अवश्य होगा, हो ही सकता है, साथ में 25 तारीख भी धन लाभ, अर्निंग बढ़ना, कहीं से कुछ ना कुछ लाभ होने को बता रही है आपका। अब एजुकेशन के लिए महीना ठीक है, सारी चीजें होगी, अब बढ़ जाते हैं त्योहारों की तरफ। त्योहारों पर बढ़ने से पहले सारे योग भी मैंने बता दिए आपको, देखिए ये जो है ना बुध आदित्य योग ठीक है, इतना अच्छा नहीं है क्योंकि 12वें भाव में, पर विपरीत राज योग है, शनि मजबूत होंगे तो रिजल्ट मिलेंगे। अब बढ़ जाते हैं त्योहारों की तरफ, उससे पहले नॉर्मली और भी कुछ करना हो तो कौन सी शुभ तारीखें हैं जो मैंने बताया, उसके अलावा कुछ और आपको करना है तो 1, 6, 9, 11, 15, 16, 19, 21, 22, 25, 28 ओवरऑल अच्छी तारीख है, इनमें से 21, 25, 28 काफी शुभ है, कोई और भी काम करना हो तो कर सकते हैं। अब त्योहार, इससे पहले मैं आपसे आग्रह करूंगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा जरूर, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको ज्योतिष में रुचि है, इस तरह के वीडियो पसंद है, तो नोटिफिकेशन बेल भी दबा सकते हैं ताकि आपको मैसेज आ सके कि हाँ भाई इस चैनल पे ये वीडियो आया है, अगर आप उसको पसंद करते हैं तो। और अब बढ़ जाते हैं त्योहारों पर, त्योहार हमारी पहचान है वास्तव में,
और एक तरह से हमारा पास्ट है, जिसको ये नहीं पता वो आया कहाँ से, वो उसको ये कैसे पता है कि वो कहाँ जा रहा है या उसमें प्रोग्रेस हो रही है या नहीं हो रही है। फिर दूसरा, हम जब किसी कंट्री में जाते हैं, आप इजिप्ट में गए, तो कैसे आप उनसे, आप क्या उम्मीद करते हो? आप चाहते हो कि बिल्कुल हमारी तरह ही रहें, तो आपको पता ही लगेगा आप कहाँ आए हो, है ना, फॉरन में। आप उनकी भाषा देखोगे, आप उनके कपड़े देखोगे, आप उनके त्यौहार देखोगे, आप उनके फास्ट देखोगे, और उससे आपकी एक इमेज बनेगी। तो अगर आपको आपके ही त्योहारों का पता नहीं होगा, तो फिर आप क्या करोगे? फिर आप दूसरों के त्यौहार पकड़ोगे। हम पकड़ भी रहे हैं, जैसे न्यू ईयर आ गया, बहुत अच्छी बात है, सब मनाते, मनाना चाहिए, पर दिवाली भी कुछ लोग मना रहे हैं। क्यों? क्योंकि कुछ हिंदू हैं या कुछ इंडियन हैं, कुछ सनातन धर्म है, वो अपने त्योहारों को भी मनाते हैं, तो फिर वहां लोग देखते हैं, उसके बारे में जानना चाहते हैं। ऐसे में उनको अपने त्योहारों की नॉलेज होना कितना इंपॉर्टेंस है। कोई आपसे पूछे कि भाई अमावस्या कब है, क्यों है, किस लिए मनाई जाती है, तो आप उसका एक लॉजिकल समझा पाओ, तो कितनी बड़ी बात होगी उसके लिए भी और आपके लिए भी। इसीलिए त्योहारों को जानना समझना आवश्यक है, किसी दूसरे से नहीं, खुद ही सीखें, खुद ही जानें। तो 25 तारीख का क्रिसमस है आपको, क्रिसमस, मैरी क्रिसमस, नई साल, नई साल की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हूँ। ये साल आपके लिए ढेरों खुशियां लेकर आए, ज्ञान लेकर आए, प्रॉस्पेरिटी लेकर आए। अब व्रत की बात करें तो 12 तारीख को मार्गशीर्ष की अमावस्या है। अमावस्या चंद्रमा से रिलेटेड है, इसमें चंद्रमा नहीं होता है, चंद्रमा हमारा मन है, इसलिए बोलते हैं कि इस दिन ना डिप्रेशन वगैरह बढ़ता है संसार में। मन जो है, अमावस्या के दिन जन्म लेना उतना अच्छा नहीं मानते, पर अमावस्या को अगर दिन में जन्म हो तो ये राजयोग है, ये राजयोग है, इसलिए अमावस्या का भी जन्म ऐसा नहीं कि हर बार बुरा होता है। और अमावस्या को हम पितृ से जोड़ते हैं, पितृलोक, चंद्रलोक जो होता है ना, उसको जब कृष्ण पक्ष चलता है, पितृ पितृ पक्ष है आपका, फिर जब बढ़ता हुआ पक्ष चलता है, देव पक्ष है, चंद्रमा जो है वहां पर 15 दिन का दिन, 15 दिन की रात होती है, इस तरह से रहता है। प्रदोष व्रत जो है वो आपका 10 तारीख और 24 तारीख का है, संडे के दिन, सूर्य का दिन है संडे, और भगवान शिव को भी हम सूर्य से जोड़ते हैं, ये कम लोग जानते हैं पर बहुत सारे लोग जानते भी हैं। भगवान शिव, भगवान राम, दोनों को हम सूर्य से जोड़ते हैं, और भगवान जो रामेश्वर का मंदिर है, भगवान राम ने शिव जी की पूजा की थी, भगवान शिव राम जी की पूजा करते हैं। और 11 तारीख की शिवरात्रि है, ओम नमः शिवाय, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। इसमें मन हूं ना बुद्धि हूं, ना अहंकार हूं ना चित्त हूं, मन जिससे हम दुनिया को देखते हैं, बुद्धि जिससे विवेक, जिससे हम निर्णय लेते हैं, मनोबुद्धि अहंकार मैं, जो मुझे लग रहा है ना कि मैं हूं, वास्तव में ये मैं नहीं हूं, चित्त, सारी हमारी मेमोरी, सब कॉन्शियस माइंड, आपका अनकॉन्शियस माइंड, जो भी दिमाग में भरा पड़ा है, जो भी हमने देखा सुना सूंगा, सब कुछ टच, सब सारी मेमोरी, वो चित्त है, इनमें से कोई भी मैं नहीं हूं। तो कौन हूं मैं? चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, आनंदमय कोश, जो भौतिक नहीं है, जो सबके अंदर फैला हुआ है, ऐसा लगता है अन्नमय कोश की वजह से कि हम बटे हुए हैं, पर जो आनंदमय कोश है वो हर तरफ फैला हुआ है, सब जगह है, जैसे कि आकाश हर जगह है, वही मैं हूं, वही शिव हूं, वही मैं हूं, अहम ब्रह्मास्मि में भी उसी से मतलब है, बॉडी से नहीं, उसी से मतलब है। तो 26 तारीख की पूर्णिमा है, और उत्पन्ना एकादशी जो है शुक्रवार की है, माँ लक्ष्मी के दिन शुक्र है, शुक्र जो है लक्ष्मी को प्रतीक है, और नारायण जो है वो एकादशी को दिखाते हैं ना, तो फ्राइडे शुक्रवार के दिन 8 तारीख को उत्पन्ना एकादशी है, और 22 तारीख को मोक्षदा एकादशी है। मोक्षदा एकादशी, मोक्ष मतलब मुक्ति, कैवल्य निर्माण, निर्वाण जीवन मुक्ति, वो सब सारी चीजें एक ही हैं। 30 तारीख की संकष्टि है, 16 तारीख की धनु संक्रांति है। जो सूर्य का जो परिवर्तन हो रहा है, जो मैंने दिखाया यहाँ पर, जो सूर्य आ रहे हैं वो 16 तारीख को आ रहे हैं, 16 से पहले सूर्य आपके यहाँ रहेंगे इस भाव में, एकादश भाव में, तो यहाँ पर भी बढ़िया करने वाले हैं सूर्य, एकादश भाव में भी अच्छा रिजल्ट देंगे वो आपको। और बस ये है कि एकादश भाव पहले 16 दिन आपको बड़े भाई बहनों से थोड़ा सा बना के रखना है, और बाद में जब सूर्य यहाँ आ रहे हैं तो विपरीत राजयोग बना रहे हैं, वो भी ठीक है, पर थोड़ा बहुत सरदर्द वगैरह रह सकता है, वो थोड़ा ध्यान आप रखें। तो अभी वीडियो में यहाँ समाप्त करूंगा, मुझे आशा है आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो तक आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें, कुछ ना कुछ बढ़िया हर दिन, मैं तो कहूँगा हर दिन की शुरुआत कुछ ना कुछ अच्छा, अच्छे विचारों के साथ करें, ग्रेटिट्यूड के साथ करें, और दिन की समाप्ति भी इसी तरह से करें, विचारों के साथ भी करें, दिन की समाप्ति भी ऐसे करें, दिन में कुछ ना कुछ करते भी रहें, क्योंकि देखना सुनने से आपके विचार आएंगे, फिर वैसा ही आप कर्म करोगे, और संसार कर्म प्रधान है, और यही कर्म आपका भाग्य बदल सकता है। तो इसी के साथ, आपने एंड तक वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।